यहाँ का फेमस है ये। This is one hell of a beautiful place. हाँ ना ना हम तो बाड़ी जाओ। फाइल्स कॉपी हो रहा है, देख अभी भी सोया हुआ है। So it's 12 in the morning right now, afternoon you can say. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नींद से उठे, चाय वाय पिए एंड अभी हम लोग का चेकआउट का टाइम भी हो चुका है। सो कल रात को कुछ और ज़्यादा दिखा नहीं पाए हम लोग को, मतलब बस वही सीन था कि हम लोग आए, पार्टी वगैरह की है, बस वही अभी निकलने वाले हैं। तो बाहर का सीन आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सी दिस इज द सीन आउट हियर, द वेदर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड हियर इज आवर ब्यूटिफुल बाइक्स एंड दिस पीपल आर चेकिंग आउट। एनीवेज हियर इज द माउंटेन्स ऑफ द भूटान, यहाँ से शुरू होता है भूटान, ठीक है। एकदम हम लोग एकदम भूटान के एकदम करीब है, मतलब आधा घंटा और ट्रैवल करने से आ जाएगा आपका जयगांव एंड उसके बाद भूटान स्टार्टिंग। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। उठने वाला नहीं है क्या? मैं उठ के फ्रेश फ्रेश हो गया, फिर से थोड़ा फ्रेश हो के सो गया। मतलब ये बंदा इतना झूठ बोलता है, अभी बोल रहा है कि मैं घर से, मेरे को बुला के लेके आया कि हाँ आज ही रिटर्न करेगा, अभी बोल रहा है कि एक दिन स्टे करके और जाते हैं। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट्स अप, दिस शिवदीप एंड यू आर वाचिंग द क्रूज लाइफ। सो वेलकम टू द क्रूज लाइफ फैमिली वंस अगेन। सो हम लोग का अभी यहाँ पर चेकआउट हो गया, पेमेंट वगैरह हो गया कम्प्लीट, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स तोरसा रिवर कैंप, जहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रंच बोल सकते हैं। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं है, लंच भी नहीं है, अभी बज रहा है 12:30, तो अभी वहाँ पे जाके ब्रंच करेंगे। वहाँ का सीन भी आप लोग को दिखाएंगे एक एक करके, सो लास्ट तक देखना। वो वाला रूम पे हम लोग स्टे किए थे, ये दो रूम हम लोग लिए थे। दिस इज क्वाइट अ सेरीन प्लेस, क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप लोग एक वीकेंड के लिए आना चाहते हैं, एक दिन दो दिन के लिए आना चाहते हैं, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप लोग को अच्छा व्यूज भी मिल जाएगा, वेदर भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इन लोग का हॉस्पिटलिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो एनीवेज चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बहुत भूख लग चुका है, आप वापस जाते हैं, वापस जाके आपसे मिलते हैं। तो दिस इज द स्विमिंग पूल एज यू कैन सी, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। एंड नेम ऑफ द रिसोर्ट इज एमिड्स सेरीन। सेशन चल रहा है, हां चल रहा है, रिक पूरा एकदम पोज देके बैठा है। तो एनीवेज फाइनली वी गॉट अ टेबल आउट हियर एंड दैट्स द व्यू। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को सामने जाके दिखाता हूं। एक्चुअली ना द थिंग इज, हम लोग को बहुत भूख लग चुका है, वी आर वेटिंग फॉर द फूड सो बैडली। अभी क्या ही कहें, एक्चुअली ना संडे तो पूरा जैम पैक्ड है यहां पे एंड आप लोग को अगर आना है तो बहुत जल्दी आ जाओ, 12 बजे के पहले आ जाओ, नहीं तो बाद में खड़ा रहना पड़ेगा। एंड हाँ, स्पेशल मतलब रूम नहीं मिलता है यहाँ पे, तो मतलब हम लोग का मतलब बैठने का जगह भी थोड़ा देर वेट करने के बाद मिला, इतना जल्दी हम आए उसके बाद भी। तो इसीलिए बोल रहा था अगर प्लान रखा है तो जल्दी आ जाना। तो यहाँ का फेमस है ये वाई चाट। हाँ, ये हम लोग बहुत जगह पे देखे थे ना, मतलब जिस भी रिसोर्ट में जाते ये लोग बोलते हैं ना वाई चाट मिल जाएगा। एंड कैसा है टेस्ट में, कैसा है? अच्छा है ना। चलो ओके, आगे हम लोग का खाना, वो चिकन कोसा भी होगा? ना ना कोसा नहीं, कोसा कैंसिल कर दे। तो अभी हम लोग का खाना आ चुका है, फ्राइड राइस, चिकन, नान एंड ऑल। सो अभी हम लोग का प्लान हो रहा है, ये लोग मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे रुक जाने के लिए एक दिन के लिए, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि घर जाके काम भी है, तो वही हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर से कन्विंस कर लिया ना मेरे को, मैंने कन्विंस किया भाई, सबका सबका राय एक है, सबका राय था। प्लान में थोड़ा चेंजेस है, हम लोग यही पे रहने वाले हैं, लेकिन अभी मेन जो दिक्कत है वो है कि वहाँ पे रूम अवेलेबल है कि नहीं, वो जाके हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी कॉल किया था, कितना बोला, एक रूम अवेलेबल, एक रूम अभी अवेलेबल है, और एक रूम मिलते मिलते शाम हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या करते, विल डिसाइड एंड लेट यू नो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, फिर से वापसी आएंगे। एक्चुअली ये सब सामान जो लेके हम लोग निकले ना, ये सब सामान को रख के, बाय द वे लुक एट दिस व्यू मैन, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। হ্যাঁ সোজা, হ্যাঁ সোজা নামাই দিই নাকি? ওকে ফরেস্ট চেঞ্জ। আমি শুভম কচ MT-15 মে চলা রা হুম। বাই দ্য ওয়ে, ইয়ে হ্যায়
की रूट जिस रूट से कल रात को हम लोग घुसे थे, लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरीज आउट हियर। पूरा टी गार्डन्स के अंदर से जाते हुए हम लोग को वहाँ तक जाना पड़ता है एंड दिस इज़ द व्यू एज ऑफ नाउ। अभी हम लोग जा रहे हैं हैमिल्टनगंज में, वहाँ पे थोड़ा काम है एंड थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। भाई साहब ये जो बाइक मैं चला रहा हूँ ना, मेरे को एकदम इतना छोटा लग रहा है अभी, क्या ही बोले, डायरेक्ट टाइगर से MT15 में यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एंड मतलब ठीक है, चल जाता है, लेकिन ना मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा हैंडल चलाने का मेरा जो है ये हैबिट हो चुका है। तो ये इसमें सीट भी छोटा है, हैंडल भी छोटा है, मतलब एकदम छोटा बाइक है एज कम्पेयर टू द टाइगर। ऑब्वियसली मैं इसका कंपेरिजन होता नहीं है, फिर भी आई एम टेलिंग दैट, लेकिन ना ये स्ट्रीट बाइक के हिसाब से टूरिंग भी कर सकते हो इसको आराम से, लेकिन एक हैंडल बार राइजर लगाना पड़ेगा। मतलब जो लोग अगर थोड़ा लंबा वगैरह आदमी है तो उन लोग को हैंडल बार राइजर। बाय द वे दिस इज पासाका, मतलब यहाँ से जाता है पासाका। इफ यू आर प्लानिंग दिस बाइक फॉर टूरिंग स्पेसिफिक, तो मैं आप लोग को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि हैंडल बार राइजर जो है वो लगा लो, तो फिर थोड़ा जो आपका सीटिंग पोजिशन है ना वो अपराइट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। सी उसको छोड़ के सीट इज़ कम्फर्टेबल, सीट मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत हार्ड है लेकिन एयर सीट वगैरह से हो जाएगा कम्फर्टेबल। इट्स अप टू यू, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो उसको छोड़ के दिस बाइक इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। टाइगर इज लुकिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल राइट नाउ, वाओ मैन। बैक टू माई टाइगर एंड यहाँ पे रुका था थोड़ा फोटोशूट के लिए, काफ़ी अच्छा लोकेशन है एंड लुक एट द सनसेट हैपनिंग राइट देयर। थोड़ा रील्स वील्स भी कैप्चर किए, तो वो सब देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा मेरे को एट द क्रूज लाइफ, द अंडरस्कोर क्रूज अंडरस्कोर लाइफ LYF। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो गाइस ये जो मेरे सामने ये पहाड़ दिख पा रहा हूँ ना, ये फुल है आपका भूटान का पहाड़ एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ स्टेइंग इन नॉर्थ बंगाल यार। मतलब 60-70 किलोमीटर्स में आपका भूटान का पहाड़ मिल जाता है, ठीक है। एंड उस साइड से जाओगे तो नेपाल भी मिल जाएगा। ओके सो हियर इज द सीन, फिर से यहाँ पे वापसी आ गए आप लोग को दिखाने के लिए, सामने का सीन दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। अभी सनडाउन हो चुका है लेकिन दैट्स द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज वन हेल ऑफ ए ब्यूटीफुल प्लेस यू कैन सी। एंड यहाँ पे सब कॉटेजेस बना हुआ है, एकदम रिवर साइड है, इसीलिए द नेम सजेस्ट द तोरसा रिवर साइड कैफे एंड दिस इज द तोरसा रिवर ऑब्वियसली। दिस इज ब्यूटी, दिस इज द पूल एरिया एज यू कैन सी यार, लुक एट द वॉल आर्ट्स आउट हियर, इट्स फिनोमिनल। तो मैं नहीं उतरने वाला हूँ लेकिन ये लोग नहाएगा, तो फोन्स रख के आएंगे, मैं भी थोड़ा बैठूंगा, थोड़ा मजा वजा लेंगे, थोड़ा चिल विल करेंगे एंड उसके बाद आपसे मिलता है कि नहीं, चलो चीयर्स। कैसे सब कोई चला गया यहाँ पे पूल में नहाने के लिए, मेरा गला में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है खराश जैसा बिकॉज सारा रात एसी फुल ब्लास्ट में चल रहा था एंड ऊपर से कल थोड़ा बारिश में, आज भी थोड़ा बारिश में भी भीगे थे हम, फिर भी मैं वहाँ पे नॉर्मल बैठ के थोड़ा चिल विल करूँगा। इसके लिए आई गॉट दिस पैन, ये पैन मिल जाता है यहाँ से, ये लोग दे देगा। तो आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है ये व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर ठोक के जाना, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कुछ कह रहा है तो कॉमेंट डाउन इज ओपन फॉर यू गाइज, एनीथिंग यू कैन से। चीयर्स। ओके सो बैक फ्रॉम द पूल, अभी नहा धोके थोड़ा फ्रेश होके अभी आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। एक्चुअली पूल में जाने का बात नहीं है जैसे कि लास्ट वाला क्लिप में आप लोग को बोला, लेकिन ये लोग इतना फोर्स किया यार, यार मेरे को भी मन हो रहा था, तो चलो यार साल में एक दो बार बनता ही है सब, ठीक है, लेकिन उसका भरपाई भी करना पड़ा, सिर में इतना दर्द हो रहा है मेरे भाई, अभी क्या ही बोले, इतना मस्ती हुआ वो वाला क्लिप तो आप शायद तक देखे हो। मैं जैसे बोला कि गला में खराश हो रहा है वो भी बढ़ चुका है, अभी फुल एग्जॉस्टेड राइट ना, अभी क्या करेंगे, ये लोग गया है खाना ऑर्डर करने के लिए, खाना वाना आएगा, खाना खाएंगे एंड आई विल क्रैश इन द बेड एंड टुमारो हेड ऑफ टुवर्ड्स होम। तो इट्स द नेक्स्ट डे एंड इज द लास्ट डे आउट हियर एंड अभी हम लोग निकलने वाले टुवर्ड्स आवर होम। द वेदर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एज यू कैन सी, थोड़ा क्लाउडी है लेकिन सुबह को बारिश हुआ था, अभी बारिश नहीं हुआ, सो इट्स अ गुड साइन एंड होप सो कि बारिश ना आ जाए। जय बजरंग बली, जय शिव शंभू, लेट्स गो। और जैसे ही कल आप लोग को बोला था कि मेरे टायर में हवा ऑटोमेटिकली कम जा रहा है, उसका सोल्यूशन मेरे को मिल गया, वो रिंग निकाल के दिया, इतना छोटा सा एक कील घुसा है अंदर, वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, वो बीट के अंदर घुस के रखा था एंड दैट्स वाई हवा ऑटोमेटिकली, उसको अभी तक ठीक नहीं किया, रास्ते पर अगर मिल जाएगा तो ठीक कर देंगे, अभी तक फिलहाल तो हवा भर के चल रहे। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद से ना इतना तबीयत मेरा ख़राब लग रहा था, अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ, मन तो कर रहा है यहाँ पर रुक जाओ लेकिन काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा, यहाँ से हवा भर लेते। लास्ट टाइम जब आए थे हम लोग आए थे फ्रॉम अलीपुरद्वार, इस बार जो जा रहे हैं
फ्रूट छीला पाता, ये दूसरा रूट से जा रहा है, यही मेन रूट है जो शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्टकट मतलब थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करता है, बस वही है। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी रेंज दिखा रहा है 56 किलोमीटर्स, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अब ना चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि चल नहीं जाएगा, बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, राइट। तो ये वाला है जोएगा, हाँ जोएगा इसलिए वाला से, तो अच्छा हाँ आशो आशो। फ्यूल ब्रेक कोई गई छोट मोटो क्या सबाई ओके फाइनली आके पहुंच गए कुचबिहार में एंड रिक को अभी उसके घर पे ड्रॉप कर दिया। चलो निकलते हैं एंड व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, अगर अच्छा लगे देन लाइक जरूर करके जाना, उससे भी अच्छा लगे सब्सक्राइब। सो विद दैट सेड दिस वाज दीप साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्रूज लाइफ, कीप वाचिंग, राइड हार्ड राइड सेफ।